जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। अभी होटल से मैं निकला था और तैयार शर होकर मैंने कहा चलें आज ब्रसल्स को एक्सप्लोर करते हैं। कल एम्स्टरडम से मैं ब्रसल्स आ गया था भाई, बस सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैं जल्दी से वीडियो बंद कर दी थी बनानी और बारिश भी हो रही थी। अभी मौसम अच्छा है, यहाँ पे धूप निकली हुई है ब्रसल्स में। और ब्रसल्स आज आपको विज़िट करवाते हैं, ये बेल्जियम का बहुत खूबसूरत सिटी है, कैपिटल भी है, और आज आपको ब्रसल्स की सैर करवाते हैं जी। अभी मैं सिटी सेंटर के पास ही हूँ और ये मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ से सिटी सेंटर तकरीबन 800-900 मीटर की वॉक पे है, ठीक है। वो भी सिटी सेंटर में ही आता है, लेकिन जो ग्रैंड पैलेस वाली जगह है ना, वो इधर से तकरीबन 800 मीटर की वॉक पे है। इन सिटीज़ की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये है कि आप बाय वॉक ही सारी प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। और यकीन करें, ये ऐसे सिटीज़ हैं, एम्स्टरडम हो गया, ब्रसल्स हो गया, मैं जितना मर्ज़ी चलूँ मैं थक नहीं रहा यहाँ पे। शायद नई प्लेसेस हैं ये, मैं कंट्रीज़ ये वाले पहली दफ़ा विज़िट कर रहा हूँ, तो बंदे को ज़रा होता है। और मैं दुबई में था 6 दिन, वो मुझे लग रहा था यार मैंने सारी प्लेसेस पहली देखी हुई हैं। तो चलिए आपको फिर कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस मैं ब्रसल्स की दिखाता हूँ, ठीक है, सिटी सेंटर में आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ब्रसल्स की और एम्स्टरडम की जो बिल्डिंग्स हैं ना, वो बड़ी यूनिक किस्म की हैं, बहुत यूनिक किस्म की बिल्डिंग्स हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ना इनकी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, लेकिन है बहुत खूबसूरत है। बेल्जियम में भी नैदरलैंड जैसी ही सर्दी है, लेकिन आज सूरज निकला हुआ है, उस वजह से ना मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया। ये बिल्डिंग्स देखें ना कितनी पुरानी है, लेकिन यही देखने वाली है यार। मुझे जो स्काईस्केपर्स हैं जैसे दुबई में, हांगकांग में, मुझे देखने का ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे इस तरह की बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये देखें पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। अच्छा यार, मेरे कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे कि ब्रसल्स जो है एम्स्टरडम से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन यार मुझे तो सस्ता नहीं लगा किसी भी वे में। मतलब कि होटल वगैरह भी 80 यूरो 90 यूरो, अच्छा जो नॉर्मल होटल है, उसके अलावा खाना पीना भी मतलब कि इतना सस्ता नहीं है, और पानी की जो बोतल है वो भी 1 यूरो से मुझे तो किसी ने कम नहीं दी। खैर, लेकिन मैं टूरिस्ट एरिया में, शायद यहाँ पर महंगी हो बाहर सस्ती हो सकती है, लेकिन ये 1 यूरो का मतलब है कि 200 रुपये की पाकिस्तान तकरीबन छोटी पानी की बोतल मिनरल वाटर की मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने कौन सा भी यहाँ पे सदियाँ गुजारनी हैं, अगर है भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 दिन रहना है। तो कल की मेरी रोम की फ़्लाइट है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैं आपको सिटी सेंटर लेके जा रहा हूँ, फिल वक्त आप ब्रसल्स को इन्जॉय करें। लेकिन जी सिटी सेंटर में पहुँच चुके हैं, तकरीबन 10-12 मिनट की वॉक पे, ठीक है। तो आपको जी बेल्जियम का सिटी सेंटर दिखाते हैं, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत है। मैं रात को यहाँ पे आया था, होटल से निकल के जब मैं खाना खाने लगा था, तो तब यहाँ पे ना कोई शो वगैरह चल रहा था क्रिसमस का ना, ये पूरा महीना भी इधर शो ही चल रहे हैं। तो ये है जी ब्रसल्स का सिटी सेंटर, ये देखें बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यकीन करें। और ये सारे रास्ते बाहर को निकल रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए कमाल की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं यार। ब्रसल्स में जो भी आए ना, तो कोशिश कीजिएगा ग्रैंड पैलेस के पास ही आप होटल लें। अगर आप यहाँ पे होटल लेते हैं तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन आपको ग्रैंड पैलेस से हर चीज़ हर जगह ही नज़दीक मिल जाती है, ठीक है। ये देखें, तो मैंने होटल ये ग्रैंड पैलेस के पास ही लिया था, ये इसकी वजह ये थी कि मैं सारी प्लेसेस को बाय वॉक ही विज़िट कर सकता हूँ। सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। रात को तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी है, लेकिन आज मौसम अच्छा है, थोड़ी धूप निकली हुई है, इस वजह से भी टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं। अब आपने मुझे बताना कि आपको ब्रसल्स ज़्यादा अच्छा लगा है कि एम्स्टरडम आपको ज़्यादा अच्छा लगा था। आपको मैं इसकी और भी स्ट्रीट्स वगैरह दिखाता हूँ। तो ये था सिटी सेंटर, मेन जो सिटी सेंटर है वो यही है, ठीक है।
अच्छा मेरी ना लाइका की सिम यहाँ पे चल रही है जो मैंने नैदरलैंड से ली थी, 20 यूरो की मैंने ली थी, 20 GB मुझे डाटा मिला था, तो इधर भी चल रही है, होप सो कि इटली में भी चलेगी। लाइका सिम आप ले सकते हैं, यूरोप में बहुत अच्छी सिम है, मुझे तो उसने तंग नहीं किया है, सर्विस उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, ठीक है, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लाइका सिम लें, ठीक है। हलाल फूड आपको मिल जाता है, टर्किश डोनर हो गए, इजिप्शियन रेस्टोरेंट्स हो गए, आपको हर जगह पर ना मिल जाते हैं। मुझे खाने का यहाँ एम्स्टरडैम में कोई भी मसला नहीं था हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं खाना खाने ही जा रहा हूँ, तो बाकी मैं आपको और भी सिटी के कुछ प्लेसेस दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मुझे कुछ ना डॉलर्स को यूरो में कन्वर्ट करवाना है, और ये बता रहा है तकरीबन 170 मीटर की वॉक पे वेस्टर्न यूनियन है, वहाँ से कुछ डॉलर्स को चेंज करवाते हैं, क्योंकि मैंने जो डॉलर्स थे ना वो एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पे ही चेंज करवाए थे, और उन्होंने मुझे कितना अच्छा रेट नहीं था दिया है, तो अभी यहाँ से चेंज करवाते हैं और देखते हैं कि क्या रेट देते हैं, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन पे गया हूँ जी, उन्होंने कहा है कि हम मनी एक्सचेंज नहीं कर रहे। अच्छा इधर ना बाहर आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसी शॉप में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो आपने अंदर जाके मास्क लगाना है, लेकिन बाहर पब्लिक बेसिस पे आपको मास्क लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना नैदरलैंड में ज़रूरत थी और ना इधर बेल्जियम ब्रसल्स में ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, आप ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जब आपने किसी जगह पर जाना है तो आप मास्क पहन लें, ठीक है। अभी मुझे उन्होंने बताया कि आप तकरीबन 1 मिनट की वॉक पे आगे जाएंगे तो आगे सारे ही करेंसी एक्सचेंज है, अब वहाँ से चेंज करवा सकते हैं, तो तब तक आप ये स्ट्रीट देखें। रात को इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटिंग की होती है, ये सारी लाइटिंग ही हुई है, लेकिन ये रात को चलती है, लेकिन रात को फिर वीडियो नहीं सही बनती है, मैं GoPro यूज़ कर रहा हूँ तो इतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी ही आपको ना सारा सिटी दिखाऊँ। चलें जी पैसे चेंज करवा लेंगे हैं, ये $200 मैंने अभी चेंज करवाया और मुझे मिले हैं 160 यूरो, हालांकि गूगल मुझे दिखा रहा था 172 यूरो, लेकिन इन्होंने ये टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे रेट अच्छा नहीं दिया, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक है, मुझे चाहिए थे लेकिन मैंने ले लिए हैं, इसलिए मैंने कम पैसे ना एक्सचेंज करवाए हैं। तो अभी कुछ खाते हैं और खाना खाने के बाद मैं आपको और प्लेसेस दिखाता हूँ। तो ये हम बिल्कुल सिटी सेंटर में हैं, ये देख रहे हैं ये सारा सिटी सेंटर ही है। लें जी खाना खा लिया है, 12 यूरो का डोनर कह लें आप, लेकिन डोनर तो नहीं था ये, डोनर की तरह था, इसमें कबाब था, लेकिन अच्छी चीज़ थी। आप फुल हो गए हैं, अभी एनर्जी आ गई है और अभी इसको हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी को, क्योंकि अभी जैसे जैसे शाम होगी लाइट्स वगैरह चल जाएंगी, नाइट लाइफ भी बहुत इंजॉय करने वाली है ब्रसल्स की, ठीक है। शॉपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि सारे ना ब्रांड्स ही हैं। खाने का मसला नहीं है, हलाल फूड गूगल पे सर्च करो तो उसी टाइम कोई ना कोई होटल नज़दीक ही मिल जाता है। तो मैं ओवरऑल रिकमेंड करूँगा कि आप बेल्जियम ब्रसल्स को लाजमी विज़िट करें, अगर इतना अच्छा ना होता तो डेफ़िनेटली मैं आपको बता देता। मौसम थोड़ा सा अभी सर्दी है, लेकिन मौसम का आप देख के तो आ सकते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। आप इसको नैदरलैंड के साथ इसलिए अटैच कर सकते हैं क्योंकि ये 2 घंटे 45 मिनट की बस की राइड है, ट्रेन भी इतना टाइम लेती है, तो आप इसको साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जर्मनी आप इधर से बड़ा इजीली जा सकते हैं, फ्रांस की भी कुछ 6-7 घंटे की यहाँ से बस है, फ्लिक्स बस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये कंट्रीज़ के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। हाँ इटली के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ फिर अगर आपने इसको ऐड करना है तो आपको बाई एयर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बसेस तो खैर यहाँ से पूरी यूरोप के लिए जाती हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है ना नज़दीक मैंने आपको बता दी है कि फ्रांस हो गया, नैदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, आप इन कंट्रीज़ में बड़ा ईजिली जा सकते हैं, 2-2, 4-4 घंटे के बाद ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। सिटी सेंटर में आपको ना गाड़ियाँ नहीं नज़र आएंगी, उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों के इतना रुझान भी नहीं है। मैंने एक दो दोस्तों से यहाँ से पूछा गाड़ी कभी लोग ही, वो कहते हैं यार हमने सारी ज़िंदगी गाड़ी लेनी नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सफ़र करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें सारी सहूलतें यहाँ पर मिली हुई हैं। तो मैं इसको बताया, मैं कहा यार पाकिस्तान में तो ये साइकिल वगैरह नहीं चलते हैं, साइकिल पर चलो तो लोग इतना अच्छा भी नहीं समझते हैं, लेकिन हमें चाहिए। बल्कि मैंने सोचा कि मैं जाके खुद ना एक बाइसाइकिल परचेज़ करूँगा, यार एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। अच्छा ये है कि अगर आप ब्रसल्स की आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रीट्स विज़िट कर लो ना, अब बोर नहीं होते हैं, मतलब कि ये ऐसी स्ट्रीट्स हैं, हर चीज़ मतलब कि बड़ी यूनिक है इधर की ना, तकरीबन दो तीन दिन सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी हैं।
जब भी आप आएँ तो 3 दिन आप मैक्सिमम अपने जहन में रखेंगे, आपको काफ़ी है ब्रसल्स विज़िट करने के लिए। इससे ज़्यादा दिन अगर आप रहेंगे ना तो बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, तो तीन चार दिन मोर देन इनफ है। और अच्छा, इसके साथ ना और भी एक दो सिटीज़ हैं, ब्रूज एक सिटी है, बहुत 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 खूबसूरत है मुझे पता है, लेकिन मैं टाइम कम होने की वजह से जा नहीं सकता है। आप वन डे में वहाँ पे उसको विज़िट कर सकते हैं, तकरीबन की 45-50 मिनट लगते हैं ट्रेन पे, तो आप उस पर जाके वन डे में उसको घूम फिर के शाम को वापस यहाँ पे ब्रसल्स में ही आ सकते हैं। ये गैलरीज रॉयल्स बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, आपको ये भी घुमाता हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत ये गैलरी बनी हुई है, ज़्यादातर ना ज्वेलरी की शॉप्स ही हैं यहाँ पे, और साथ ये कुछ ब्रसल्स के रेस्टोरेंट भी बने हैं। ये गैलरी आप लास्ट में विज़िट कर सकते हैं, ग्रैंड पैलेस के साथ ही है, रॉयल गैलरी इसको बोलते हैं। ब्रसल्स में जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं ना वो ये है कि इसकी स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई हैं, उसके अलावा बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, अमेजिंग हैं। उसके अलावा मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनकी यूज़ नहीं की इतनी, क्योंकि मैं आया हूँ और मैं इधर से रह सिटी सेंटर में रहा हूँ और मैं बाय वॉक इसको सारा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे उसका नहीं पता इनकी किस तरह की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन डेफिनेटली अच्छी ही होगी और इतना सस्ता नहीं है। मैं ये समझूँगा नैदरलैंड और ये सेम एक जैसे ही है, कोई इतना चीप कंट्री नहीं है टूरिज्म के लिए, लेकिन फिर भी जो बजट ट्रैवलर हैं वो इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं रॉयल गैलरी से निकल के स्ट्रीट में आया हूँ और ये ना सही पुराने पुरानी बिल्डिंग्स है, ये ओल्ड टाउन है ब्रसल्स का ना, ये देखें पुरानी बिल्डिंग्स हैं और यही देखने वाली हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट्स हर जगह रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, देखें कितनी इन्होंने डेकोरेट की हुई हैं गलियाँ। अभी जैसे जैसे शाम होगी रश होता जाएगा, क्योंकि अभी सर्दी है वैसे भी लोग कम निकल रहे हैं। सो ब्रसल्स के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ मेरे से कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03436464764, ठीक है। तो कंसल्टेंसी के लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरा वीज़ा कंसल्टेंसी का भी काम है जैसे कि आप सारों को पता है, तो वापस आके इंशाल्लाह कंसल्टेंसी को भी दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी बिज़ी रूटीन होने की वजह से मैं व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, उनसे माजरत। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फिर इटली जाता हूँ, इटली से मैंने वापस आना है नैदरलैंड और नैदरलैंड से मैंने पाकिस्तान वापस आ जाना है। ये देखें अच्छा, ये देखें जी, एक फाउंटेन है और ये लिखा हुआ है कि आप इसमें सिक्का अगर फेंकते हैं तो आपकी ना जी विश पूरी हो जाती है। मेरा तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं है, लेकिन ये इधर लिखा हुआ है, ये देख लें आप, इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये भी ओल्ड टाउन में ही है प्लेस, तो सिक्का फेंकने से बेहतर हम किसी गरीब को दे देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिक्का नहीं फेंकूँगा। ब्रसल्स में आप जाते हो तो एक साइड पे आपको बिल्कुल ही नई बिल्डिंग्स नज़र आ जाती हैं और एक साइड पे आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही पुरानी बिल्डिंग्स ना नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी ब्रसल्स की वीडियो, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ब्रसल्स दिखाऊं, लेकिन अभी बारिश आ गई है
अभी मुझे अम्ब्रेला वगैरह निकालनी पड़ेगी, और अम्ब्रेला के साथ ना वीडियो मैं बना नहीं पाता है, तो उम्मीद है कि आपको ब्रसल्स पसंद आया होगा। अभी मैं इंशाल्लाह रोम जाऊंगा, और रोम में जाके भी आप लोगों को रोम भी दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।